कोठी ले गिर गए फटाक ले, हाँ टूट गए हो, फटाक ले। हाँ ये सारे गीत हो उस समय चलते थे। बालाघाट से ही उस तरफ गए हुए थे, तो हमारे लिए बड़ी हंसी की बात थी कि ये किस तरह के हाँ गाने हैं, गाने हैं, पर हाँ रेडियो में ये सारा बजता था। बचता था। अच्छा, इसी समय मेरी मम्मी की जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी, तो एक बार वो बठेना हॉस्पिटल में भर्ती थी और हम बच्चे छोटे छोटे थे, तो बच्चे सारे के सारे स्कूल जाने वाले, तो कोई उनके साथ नहीं था, और पापा अपनी ड्यूटी में, फिर वो किसी दौरे पर निकलना उनके लिए जरूरी हो गया, तो मम्मी हॉस्पिटल में अकेली हो गई। तो वो फिर ना उस गाने को गाती थी, हम लोग पूछैया भैया भैया कौन कोनो है। नहीं है गा, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा, केदार यही केदार कश्यप, केदार केदार यादव, केदार यादव, केदार कश्यप यादव। वो इनके चंदेनी गोंदा में ढोलक बजाते थे, नहीं, ढोलक बजाते थे केदार यादव। बाद में उन्होंने सोनहा बिहान एक संस्था बनाई, उन्होंने नाम भूल रहा हूँ, और फिर वो मोर भाखा संग दया माया के सुग्घर हवाए मिलाप रे, ऐसा करके गीत मुकुंद कौशल का उन्होंने गाया, अच्छा, बहुत सारे फिर गीत उन्होंने गाए। बहुत ही सुंदर सुंदर गाने। तो अब तो खैर ये सब तो प्रिजर्व्ड फॉर्म में है है इसके, है हाँ, ना। कुछ कुछ नहीं है वो, अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी आर्काइव के लिए इनके संगीत नाटक अकादमी का आर्काइव के लिए इन्होंने सीडी दिया है उनको, तो वो, और मैं अभी चंदेनी गोंदा का एक वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरा प्रयास है कि वो इधर उधर फैले हुए हैं उनको पड़े रहने दूंगा, जो इनके पास है उसको उसमें डाल दूंगा, तो ये इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी लाने का विचार है मेरा। बिल्कुल ये बिल्कुल, सारी डायरी के जो गीत हैं उसको जैसे उसने किया है सीजी गीत संगी ने, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ला दूंगा, और इनके पास ऑडियो जितने के हैं वो ऑडियो को भी अपलोड कर दूंगी। अपलोड कर दूंगा, और वो चंदेनी गोंदा का बिल्कुल बिल्कुल, रहेगा, कुछ किस्से आ जाएंगे, आप जैसे लिख रही हैं तो आपके आर्टिकल को उसमें डाल दूंगा, बिल्कुल तो बिल्कुल आगे बिल्कुल, के लिए उसको आर्काइव बेस में लाने का मेरा बिल्कुल, क्योंकि प्रयास वो है। बहुत महत्वपूर्ण चीज तैयार हो जाएगी इस हाँ तरह से, और मतलब हम बच्चों से कह सकेंगे कि इस वेबसाइट को तलाश लो, हाँ जाओ, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, तो हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये सारा तैयार कर रहे हैं कि बिल्कुल वो। इसके लिए इनका मैं सवेरे सवेरे मनन करता हूँ। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी ऐसे कहने वाला अभी तक कोई व्यक्ति, कोई साहित्यकार नहीं मिला। जी 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 एक्चुअली जैसे जैसे चीजें बीतती जाती हैं ना, फिर उसके बाद हमें उसकी महत्ता समझ में आती है, कभी जैसे ही महत्ता समझ में आती तब लगता है ये हमारे पास होना चाहिए। भूपेंद्र साहू कौन किया था, ये क्या क्या सब एल्बम बन रहा है, फलाना बन रहा है, ठिकाना बन रहा है, आप आओ एक मीटिंग लेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, ऐसा सब हो रहा था। तुम क्या कर रहे हो ऐसा मैंने बोला, लगता है कि इनके पास खजाना इतना है कि एक मीटिंग में एक बात नहीं मीटिंग में होगी, नहीं होनी है, आप और अभी ऐसे तो ही कई बार बैठना पड़ेगा आपको, आपको मेरे साथ जी आओ। बिल्कुल।